नमस्कार दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे जहरीले पेड़ और पौधे होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन ये जहरीले होने के साथ साथ मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आग के पौधे के बारे में। यह जहरीला होता है लेकिन मनुष्य के लिए यह एक अमृत के समान होता है। चूँकि दोस्तों, शिवलिंग में चढ़ाया जाने वाला आग का फूल आपको ज़रूर कहीं ना कहीं मिल ही जाता होगा, तो आज के इस वीडियो में हम आपको आग यानी कि मदार के फायदों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ देने वाले हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को चलती गाड़ी में उल्टी आती है तो पैर के नीचे आग के पत्ते को रख ले। इससे दोस्तों यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको उल्टी नहीं होगी। दोस्तों, इससे निकलने वाले दूध को यानी कि इसके पत्तियों को तोड़ने से जो दूध निकलता है, उस दूध को अगर झड़ते हुए बालों पर लगाया जाए जहां पर आपके बाल झड़ चुके हैं, तो वहां पर आपको बिल्कुल एक नए फ्रेश बाल उगाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कान में दर्द हो रहा हो तो आग के पीले पत्तों को घी में गर्म कर उसका रस कान में डाले, कान का दर्द गायब हो जाएगा। आग के दूध में समान मात्रा में शहद मिलाकर लगाने से दाद, खाज, खुजली दूर हो जाती है। आग के 5 कोमल पत्तों पर नमक और तेल लगाकर आग में जला दें। इनकी राख को निकाल कर रख लें। रोजाना 2 चुटकी खाने से 15 दिन के बाद ही बवासीर ठीक हो जाती है। यदि आपके नाखूनों में किसी भी तरह के संक्रमण हो गया है तो मदार के पौधे की जड़ों को पानी के साथ अच्छी तरह से घिसकर नाखून के ऊपर लगा दे, नाखून का संक्रमण दूर हो जाएगा। यदि शरीर में किसी भी अंग पर कांच का टुकड़ा गड़ गया हो, मतलब कि कांच का टुकड़ा घुस गया हो, तो आप मदार के पौधे से निकलने वाले दूध को उस जगह पर लगा ले, कांच व कांटा पक कर अपने आप ही बाहर निकल जाएगा। खांसी यदि ठीक नहीं हो रही हो तो मदार की जड़ को अच्छी तरह से पीस ले और उसमें थोड़ी सी मात्रा का काली मिर्च मिला ले। एक छोटी सी गोली बनाकर इसका सेवन सुबह और शाम पानी के साथ करें। इससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। फोड़ा और फुंसी, फोड़ा ठीक न हो रहा हो तो मदार की जड़ को अच्छी तरह से पीस लें और उसका लेप फोड़े पर लगाएं। इस उपाय से फोड़ा जल्दी ठीक हो जाता है। मदार के पौधे से निकलने वाले दूध को उंगलियों पर लगाने से उंगलियों का संक्रमण दूर हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज के हमारी जानकारी। आज के जानकारी में हमने आपको मदार के पौधे के कुछ चमत्कारी फायदों के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों में शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर हम जुड़ते हैं आप सभी से जल्द ही एक और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।